ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको डिलीवर करते रहें, ताकि आप एक बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने आगे फ्यूचर के लिए बना सकें। सो आज की जो रेफरेंस है वो मेरी ज़्यादातर उन बच्चों को है जो सेप्टेम्बर के रिजल्ट वेट कर रहे हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चन बच्चे रिपीटेडली पूछ रहे हैं मेरे लाइव्स में, मेरे शोज़ के अंदर कमेंट करते हैं। सो आई वुड लाइक टू आंसर ऑल अबाउट सेप्टेम्बर सिनारियो, क्या रहेगा। सो सेप्टेम्बर, सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट्स का इंतज़ार करने वाले बच्चों की। सो रिज़ल्ट जो हैं जिस स्पीड से आ रहे हैं अभी तक, रेगुलरली पीपीआर्स एवरीडे मिल रही हैं। सो पूरी उम्मीद है कि सितंबर के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिज़ल्ट जो है वो गेन कर जाएगा। इसमें जो एक लाइन है 6th of August की, जिसको बच्चे बहुत रेफर करते हैं, उसकी मैं कोई कमिटमेंट नहीं देता। कुछ केसेस के रिज़ल्ट उससे पहले आएंगे, कुछ के उनके बाद भी आएंगे। सो 6th of August को अगर आप भूल जाएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा रिज़ल्ट का इंतज़ार करना, और रिज़ल्ट अब लगातार आते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे बच्चों को स्टैम्पिंग के कारण अपने कोर्स को या तो ऑनलाइन स्टार्ट करना पड़ सकता है या उसे डेफर करना पड़ सकता है। सो ये एक सिनेरियो साथ में क्रिएट हो सकता है। सो अगर आपका पीपीआर आ गया तो स्टैम्पिंग के कारण कोर्स को डेफर ना करें, बल्कि आप ऑनलाइन क्लासेस को इनिशिएट कर दें। सेकेंडली, पीटी वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जो बच्चों ने नई फाइल लगानी है उन्हें भी, और जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी। तो पीटी को लेके किसी तरह का भी कोई भी नेगेटिव सिनेरियो नहीं है वीज़ास को लेके, वीज़ास आर कमिंग एज नॉर्मल। इंग्लिश टेस्ट को लेके वेबिनार में सिर्फ इतना कहा गया था कि जो होम बेस्ड टेस्ट हैं हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। होम बेस्ड टेस्ट कौन से होते हैं? डोलिंगो होम बेस्ड है, टॉइफल का भी एक होम बेस्ड है, आयल्स का भी एक होम बेस्ड है। सो वो टेस्ट एक्सेप्ट नहीं होते। जो टेस्ट किसी भी सेंटर में जाके दिए जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड है, ठीक है जी। थर्डली, इसके बाद जो बच्चे लगातार कन्फ्यूज्ड है रिजल्ट्स की टाइम्स को लेके, तो गाइस कोई टाइमलाइन रिजल्ट्स की नहीं होती, किसका पहले आएगा किसका बाद में आएगा इसके बारे में कह पाना बहुत चैलेंजिंग है। ये इसका कोई भी फिक्स स्टेटस नहीं है, ना ही ऐसा हो रहा है कि एसटीएस के पहले आ रहे हैं और नॉन एसटीएस के बाद में, सब मिक्स रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड जो रिफ्यूज़ल्स हैं वो प्रोफाइल बेस्ड हो रही हैं, उसमें कई सारी रिफ्यूज़ल्स ऐसी हैं जो हमने देखी हैं पिछले दिनों में जो रिकवरेबल है। सो आप लोग दोबारा अच्छे से अपनी फाइल्स को प्रजेंट करोगे तो यू गाइज कैन सिक्योर योर वीज़ा। सो नॉट टू वरी, कुछ भी नेगेटिव मन में ना रखें। लगातार पॉजिटिव रिजल्ट रिसीव हो रहे हैं, पॉजिटिव सिनारियो भी बन रहा है, तो पॉजिटिव ही रहे। ट्रैवल को लेके जो इशू है सितंबर के ट्रैवल को लेके, उसकी पूरी उम्मीद है कि वो जो ट्रैवल है अब वो 21st of August तक इन्होंने एक्सटेंड किया है। सो उम्मीद है उसके बाद ये बैन हट जाएगा और वैक्सीनेटेड लोगों को तो स्पेशली जो ट्रैवल है वो इनिशिएट हो जाएगा। सो नॉट टू वरी एट ऑल, आपका जो कनाडा का ड्रीम था सितंबर वाले बच्चे, शायद ये लास्ट वाला बैच होगा जो आगे पीछे या डिले होगा, और जनवरी मोस्ट लाइकली फ्लॉलेसली चलेगा, बिकॉज तब तक वैक्सीनेशन, ट्रैवल, एवरीथिंग विल बी स्ट्रीमलाइंड। और आप लोगों को भी ज़्यादा निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर डेफर करना पड़ेगा तो करने की ज़रूरत है। अगर आपका रिजल्ट 15 सितंबर के आसपास तक भी नहीं आ पाता और कॉलेज आपको डेफर करने के लिए कह रहा है, तो डेफिनेटली आपको कॉलेज को डेफर करना पड़ेगा। तो कर भी लेंगे तो निश्चिंत रहें, नो वरीज, जनवरी आपका ऑन टाइम ज़रूर आ जाएगा। और जनवरी के लिए जिन्होंने बच्चों ने एप्लीकेशन अभी लगानी है, उन्हें भी मेरी एडवाइस है कि वो अपनी एप्लीकेशन को अर्ली टू पॉसिबल लगाने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे अपने आयल्स को इम्प्रूव करने के चक्कर में अपनी फाइल्स को डिले कर रहे हैं या अपनी एडमिशन्स को डिले कर रहे हैं जनवरी के लिए। सो आई एडवाइस दो स्टूडेंट्स कि आप जनवरी की अगर एडमिशन मिल रही है गाइस, 1 में 5.5 है, अपनी फाइल को रीलॉन्च कर दो, उसके साथ साथ अपना आयल्स का इम्प्रूवमेंट करो। एंड अगर वो इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो उसे वेब फॉर्म के थ्रू अपडेट कर देना, वो 100% कंसिडर होता है वेब फॉर्म के थ्रू आप जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हो। सो रेगुलर इस चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि रेगुलर स्टूडेंट वीज़ा को लेके, अलग अलग कंट्रीज को लेके भी, और इस पर्टिकुलर मॉर्निंग शो जो मैं लॉन्च करता हूँ इसमें कैनेडा को लेके, हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स, अ सिंपल 3 स्टेप्स। नंबर 1, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर 2, यू नीड टू फिल अ फॉर्म, वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर 3,
उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर. यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया आउटसाइड इंडिया यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम फ्रॉम योर कंट्री. थैंक यू. ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान.